1999 में मुंबई ब्लास्ट के मुख्य अभियुक्त और भारत के सबसे पुराने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम को पकड़ने और उसके बारे में जानकारी हासिल करने की कवायद नए सिरे से शुरू हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसकी सूचना देने वाले को 25 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। दाऊद के अलावा अनीस इब्राहिम, छोटा शकील, जावेद और टाइगर मेमन पर भी नए सिरे से इनाम का ऐलान किया गया है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के लिए सबसे खतरनाक नाम बन चुके इस शख्स को पकड़ने की कोशिश हुई हो। पहले भी कई मौकों पर इसकी पहल की गई, लेकिन तकनीकी दिक्कतों और दूसरे कठिन हालातों के कारण नतीजे नहीं निकल पाए। 2014 में बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद दाऊद को दबोचने का भरोसा दिलाया गया था, लेकिन सत्ता मिलने के 8 बरस बाद भी अभी तक सरकार को कोई सफलता नहीं मिली है। 1993 के बम धमाकों के बाद से दाऊद का कानून के शिकंजे से बाहर रहना भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी बड़ी चुनौती है, खासकर तब जबकि NIA सूत्र यह बताते हैं कि दाऊद कराची में बैठकर लश्करे तैयबा, जश्न मोहम्मद और अल कायदा से शॉटगन कर आतंकी नेटवर्क चला रहा है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों को दाऊद के बारे में सूचनाएं बहुत पुख्ता तरीके से नहीं मिल पाती हैं। ऐसी सूचनाएं आती हैं कि पाकिस्तान ने उसे अपने कवच के अंदर बांध रखा है। जानकारी मिली कि ऐसी भी सूचना है कि वह पाकिस्तान में अलग नाम और पते से रहता है। इससे जुड़ी तमाम पहचान को समाप्त कर दिया गया है। दाऊद इब्राहिम ने अपने शुरुआती दिनों में दुबई से लेकर और काठमांडू तक अपना नेटवर्क बनाया था, वहाँ संपत्ति भी बनाई, लेकिन जब उस पर दबिश पड़ी तो वह वहाँ से सब कुछ छोड़कर भाग गया। वह इन तमाम जगहों के संपर्क में नहीं आया। क्या है विकल्प? अधिकारियों के अनुसार पाकिस्तान उसे 24 घंटे सुरक्षा कवच दे रहा है। ऐसे में भारत के पास सीमित विकल्प बच जाता है, या तो वह उसी तरह दाऊद के खिलाफ खुफिया कार्रवाई करे जैसे कि अमेरिका ने पाकिस्तान में ओसामा के खिलाफ की, या अफगानिस्तान में जवाहरी को पकड़ने के लिए की। हालांकि ऐसे ऑपरेशन को अंजाम देना आसान नहीं है। भारत सरकार के मंत्री और पूर्व होम सेक्रेटरी RK सिंह ने कुछ साल पहले एक खुलासे में कहा कि 2005 में हमारी टीम दाऊद को दबोचने के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन मुंबई पुलिस से ऑपरेशन की बात लीक हो गई थी। उसके बाद इस पर काफी हंगामा हुआ था।